ताको आवत देख के कही बात समझाए, अब मैं आया गुरु शरण तेरी कछु न बसाए। अब मैं गुरु की शरण हुए माया, अब तेरी दाल नहीं गलेगी, अब तू कुछ अनुकूल करके मुझे रिझा अथवा प्रतिकूल करके मुझे डरा, लेकिन अब मैं जान गया कि तू माया जिसकी सत्ता ना रहे। मां माना नहीं, या माना जो दिखे, जो टिके नहीं और दिखे मैं जान गया हूं, और जो दिखे नहीं और कभी न मिटे उस अपने यार को मैं पहचान गया हूं। अब तू क्या करेगी। मैंने सुनाया था कबीर जी का किस्सा। कबीर जी का झोंपड़ा जलवा दिया वैश्या ने, क्यों कि पास में ही कबीर जी के एक घास का झोंपड़ा जहां कीर्तन भजन होता था अपना घर के साथ, लोग कीर्तन से आह्लादित होते आनंदित होते, तो उस नर्तकी के कभी कभी ग्राहक भी कीर्तन में चले जाते और उनका मन बदल जाता, वो नर्तकी के वैश्या के ग्राहक कबीर के भक्त बन जाते। एक बार दो धनवान आसामी आए थे नाच गान देखने और उसके घर रात रहने को, कबीर जी के यहाँ कीर्तन सुनकर वहां चले गए। वैश्या ने देखा कि अब इस बाबा का झोंपड़ा जलवा दो, ये यहां से भागे, नहीं तो मेरी ग्राहकी खत्म हो जाएगी, मेरे धंधे पर खतरा आएगा। तो अपने यार को, एक पंडा था, उसको चढ़ाकर भिड़ाकर कबीर जी का झोंपड़ा जलवा दिया। अब भक्त लोग कीर्तन करने सुबह आते, फिर धीरे धीरे रस आता तो 10 बजे या 11 और 12 तो तपते लगता। कबीर जी के चित्त में हुआ कि तप रहे हैं, अब उनके चित्त का थोड़ा सा ही संवेदन सृष्टिकर्ता से सहा नहीं गया और वहां आग के रूप में वो सच्चिदानंद प्रकट हो गए। गणिका के घर को जलाकर खाक कर दिया, पक्की कोठी जलकर खाक हो गई। समझ गए कि अकारण अग्निदेव प्रकट हुए और सब जलकर खाक हुआ, इस फकीर का ही कुछ हाथ है। कबीर के चरणों में आई और गिड़गिड़ाई के महाराज मेरी कोठी जल गई और मेरा सामान जल गया, कोई कारण नहीं था आग का, आप ही बताओ ये क्यों जला, आप ही ने जलवाया, क्या किया। कबीर झूठ कैसे बोल सकते हैं। कबीर ने कहा देखो तेरे यार ने मेरा झोंपड़ा जलाया तो मेरे यार राम ने तेरा घर जलाया, पहल तूने की, शुरुआत तूने की, फिर मेरे यार को ऐसा लग गया तेरे यार ने मेरा झोंपड़ा जलाया तो मेरे यार ने तेरी कोठी जलाई, पहल तूने की थी, शुरुआत तूने की थी। फिक्र न करो, भक्तों को कहता हूं थोड़े थोड़े पैसे निकाल के तेरे को भी झोंपड़ा बना देंगे। बाद में वो वैश्या नर्तकी कबीर जी की भक्त हो गई। भगवान न जाने किसको किस ढंग से अपने सच्चे सुख की तरफ बुलाना चाहता है। नर्तकी का भी हित चाहने वाले ईश्वर ने कैसी लीला की कि नर्तकी अपना जीवन तबाह न करे, बर्बाद न करे। आपके घर में, कुटुंब में, खानदान में कहीं कलह, कहीं विघ्न, कहीं बाधा आए तो समझ लेना कि हमें इस मोह जाल से दूर करने के लिए भगवान कुछ न कुछ खेल खिला रहे, क्योंकि भगवान हम सबके परम सुहृद हैं, परम हितेशी। हम भाई के गिड़गिड़ाने से थोड़ा बहुत दुकान पे आते जाते थे। हमारी बेटी बेटों की शादी नहीं तो नहीं होगी, तुम नहीं करोगे तो एक बार शादी कर लो, फिर जैसे रहना हो रहना, सारे उन्होंने वचन दिए। तो फिर शादी तो हो गई, रहते थे अपने मर्जी के अनुसार साधन भजन, फिर भी दुकान पे आते तो वहां मोह माया के वातावरण में। एक बार कोई ऐसी घटना घटी कि कुछ व्यापारी फंसे और उन व्यापारियों ने कहा कि आंसू मलया जो बोलेगा ना अपना रास्ता निकलेगा, तो मेरे पास आए। भाई जो बिजनेस कर धंधा करते थे वही धंधे वाले किसी कारण कहीं फंसे थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा कहा कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो मेरे दुकान पर काम करने वालों ने, काम करने वाले रिश्तेदार ने कहा कि तुम तो भगत आदमी,
लेकिन उनको तुमने अभी भी उनको तो रास्ता बता दिया ना, जो ठगी में पकड़े गए तो छूटने का, आखिर तो मैं क्या वास, ये उसी की कृपा है, संकेत अच्छा है। जरा गद्दी पे बैठो, दुकान की गद्दी पे उसको बिठाकर मैं तब से चला तो आज तक एक सेकंड भी उस जगह को देखा नहीं मैंने। मेरे यहाँ काम करने वाले के द्वारा ही उसने कहलवा दिया कि आखिर तुमने भी तो इस वातावरण में यही कहा, ठगी में पकड़े हैं और वो ठगी से पकड़े गए छूट जाए, ऐसा ऐसा तुमने भी बताया, तो इसी का नाम तो माया है। उसने लंबा तो नहीं कहा लेकिन अंदर से इसी का नाम तो माया है, संघ का दोष है। चल मेरे भैया, फिर तो कहीं कहीं घूमे, क्या क्या पापड़ वेले, और जब सतगुरु मिल गए तो फिर कभी बयान नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो गया। अरे उन्हीं की कृपा का विस्तार है, तो हम चाहते हैं कि आप मेरे गुरुदेव की प्रसादी को खूब खूब ले रहे और उसका खूब खूब आदर करना, पचाना। वशिष्ठ महाराज को जिस बात का खटका था, मुझे भी उसी बात का खटका अधिक लगता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, एक ब्राह्मण चिंतामणि की इच्छा से खदान को खोदने गया, सहज में उसे चिंतामणि मिली, जो सहज में मिली विधि विधान आडंबर सिवाय मिली, सहज में मिली हुई चिंतामणि को साधारण समझकर उस मूर्ख ने कदर नहीं की। फिर कई खदानों में उसने मजदूरी की और एक चमकीला पत्थर मिला, वो अभागा मेहनत के बाद पत्थर मिला तो उसको चिंतामणि समझकर घर लौटाया, लेकिन वो पत्थर क्या देगा। ऐसे ही हमारा सत्संग और साधन सहज में चिंतामणि की नाई है, लेकिन हम सहज में देते हैं, मंत्र दीक्षा दे दी, कोई रुपया पैसा चीज वस्तु न लाओ, कोई विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं, आ जा ले जा, ध्यान योग शिविर में आ जा ले जा, सत्संग में आ जा ले जा। ये मामला हमारा भी ऐसा है, इसलिए हम हाथ जोड़कर आपको कहते हैं, जैसे वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं, ऐसे हम आपको कहते हैं कि एक अमूल्य निधि है, अमूल्य खजाना है। हम जो आपको बताते हैं वो आप मनमानी 12 12 साल की चार साधनाएं करें तब भी वहां आपकी गति नहीं हो सकती, जहां हमारे गुरुदेव के प्रसाद से आपकी गति की रीत हम आपको बता देते हैं हंसते खेलते, और केवल बताते नहीं, ध्यान